बॉलिंग पॉइंट पहले आ गया और रिमूव हो गया, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ये बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्रिस्टलाइजेशन का मतलब उस चीज से एसोसिएटेड नहीं है। हाँ क्या बोल रहे थे फिर? ठीक है, में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होता है बट ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया शायद से। और yes. उसमें ये एक पॉइंट है कि इनेंशियोमर्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब जैसे 10th क्लास में हम लोग जो डिस्कशन किए थे कि मतलब एक डिस्कशन आता है वहां पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो फिर ईस्टर का फॉर्मेशन कराता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इनेंशियोमर वाले पार्ट में डी इनेंशियोमर रिएक्शन करे तब भी वो ईस्टर बनाएगा, एल इनेंशियोमर रिएक्शन करे तब भी वो इनेंशियोमर ही बनाएगा, मतलब इनेंशियोमर वाला सॉरी तब भी वो ईस्टर ही बनाएगा। सब इनेंशियोमर्स वाले पार्ट एग्जैक्टली सेम ही प्रोडक्ट देते हैं, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है जिसको हम लोग को ध्यान रखना होता है। इनेंशियोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो, सेम केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो ओनली देयर रेट ऑफ रिएक्शन विथ ऑप्टिकली एक्टिव, और ये वर्ड तो हम लोग याद रख ही सकते हैं, सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, काइरल, ऑप्टिकली एक्टिव और chiral reagent is different. Enantiomers wale part ka property same hai, matlab product same banayega, usme koi dikkat nahi hai, lekin jo rate of reaction hai wo alag alag hota hai. Wo alag alag hone ka matlab jaise agar maan lo koi optically active compound hai r wala part, agar iska reaction hum log d enantiomer ke sath aur l enantiomer ke sath karaye to d wale part ka jo rate of reaction hai aur l wale part ka jo rate of reaction hai, ye rate of reaction wala part alag alag hota hai. और इसी प्रॉपर्टी को कि रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट अलग है, जैसे मान लेते हैं कि डी वाला पार्ट आधे घंटे में रिएक्शन कर रहा है जबकि एल वाला पार्ट एक घंटे में रिएक्शन कर रहा है, तो जैसे ही हम लोग डी और एल वाले पार्ट को रिएक्शन कराने के लिए मतलब जो भी कंपाउंड दे रखा है, जैसे मान लो ये दे रखा हम लोग के पास ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल, तो टू ब्यूटेनॉल में एक कायरल सेंटर है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसमें डी और एल फॉर्म रहेगा ही रहेगा, मतलब इनेंशियोमेरिक फॉर्म रहना ही रहा है, बिल्कुल फिक्स है. अगर हम लोगों का कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे हम कायरल सेंटर बना देते हैं CH3 और C2H5, मान लो ये कायरल सेंटर बना दिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों के अल्कोहल वाले पार्ट के साथ रिएक्शन करके ईस्टर बनेगा ही बनाएगा, बाई डिफॉल्ट बनाना है ईस्टर, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. लेकिन जो ईस्टर बनेगा उसमें हम ऐसा लिख देते हैं डी ईस्टर बनेगा और दूसरे नीचे एल ईस्टर बनेगा. तो अगर हम लोगों का एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ उसका भी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, मतलब आइदर आर कॉन्फ़िगरेशन लेके चलो या फिर इस कॉन्फ़िगरेशन लेके चलो, तो अगर हम लोग एक ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ किसी दूसरे इनेंशियोमेरिक पेयर वाले पार्ट को रिएक्ट कराएंगे तो दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग आएगा. अगर डी फास्टर रिएक्शन कर रहा है तो उस केस में हम लोगों का पहला जो ईस्टर वाला पार्ट बनेगा, मतलब जो ये डी ईस्टर है, वो तो आधे घंटे में बन करके मिल जाएगा, और जबकि एल ईस्टर वाला पार्ट एक घंटे में मिलेगा. तो वहां से हम लोग सेपरेशन के प्रोसेस को ये कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं कि शुरुआत में जो चीज मिला उसको हम लोग सेपरेट कर लिए, और फिर जो हम लोग का ईस्टर आया इसको हम लोग ब्रेक करके, कि तुम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर पढ़ चुका है तो आराम से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, ईस्टर को हम लोग ब्रेक करके वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया. तो पहले हम लोग का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट आया उसमें जल्दी प्रोडक्ट आया, देर में प्रोडक्ट आया, उसके हिसाब से सेपरेशन किए, और जो प्रोडक्ट अपने पास आया उस प्रोडक्ट को फिर से डिसोसिएट करके हम लोग रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. इस चीज को हम लोग सेपरेशन ऑफ इनेंशियोमर के लिए यूज करते हैं, और ये दो मेथड्स हैं जिससे हम लोग सेपरेशन ऑफ इनेंशियोमर्स कर सकते हैं. एक तो ये मेथड जो तुम लोग को बोला, और तुम्हारे सिलेबस में इतना ही पार्ट है, हम लोग को अगर सेपरेशन ऑफ इनेंशियोमर कैरी आउट करना है तो हम लोग इसी मेथड के बेसिस पे कैरी आउट कर सकते हैं. एक और मेथड अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, मुझे लगता है कि 5-6-7 महीने पहले डिस्कवर हुआ है, कि हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं इनेंशियोमर्स वाले पार्ट का. शायद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अलग होता है, इसके बारे में कहीं कोई कमेंट नहीं मिलता हमको बुक्स में, तो इसलिए हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, बट इनेंशियोमर्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, इसके वजह से हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट में आराम से उसका सेपरेशन कर सकते हैं. हाँ अरविंद बोलो
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए डिफरेंट होता है? नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होगा. ऑर्डर वाला जो पार्ट है वो मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज इन द आरडीएस, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट डिफरेंट नहीं है. जो रेट ऑफ रिएक्शन में जो रेट कॉन्स्टेंट है के, वो चीज डिफरेंट निकल के आना चाहिए. ऑल्दो ये अच्छा सवाल है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कभी सोचे नहीं है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट नहीं होना चाहिए. वो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा पूरे रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है. Enantiomers have same chemical property, only their rate of reaction with optically active reagent is different. और इसी में यही पार्ट हम लोग को यूज करना है. This property is used for the separation of enantiomers. और इस चीज को, जो सेपरेशन ऑफ इनेंशियोमर वाला पार्ट है, इस प्रोसेस को हम लोग रिजोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं. इन जनरल रिजोल्यूशन बोला जा सकता है. जब भी कभी रिजोल्यूशन वर्ड आएगा, मतलब हम लोग को इनेंशियोमर्स के सेपरेशन की बात करनी है. इन जनरल ऐसा बोला भी जाता है कि हम लोग का जब भी कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये अमाइन इन्वर्जन में आएगा, हम लोग का जब भी कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमेशा उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए, मतलब वो कंपाउंड रिजोल्वेबल होना चाहिए. अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब उसका इनेंशियोमर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और वो इनेंशियोमर सेपरेट करने आना चाहिए. अगर वो सेपरेट हो पाएगा तो कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जा सकता है. नाइट्रोजन के केस में अगर मान लो एक कायरल सेंटर है, तो इस केस में कंपाउंड वाले पार्ट में अगर केवल एक कायरल सेंटर है तो इसमें पीओएस भी नहीं हो सकता, सीओएस भी नहीं हो सकता. एक कायरल सेंटर में कभी भी नहीं होता पीओएस सीओएस, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था. लेकिन अमाइन इन्वर्जन होने की वजह से कंपाउंड्स का जो इनेंशियोमर है वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल है. तो एक इनेंशियोमर निकालो तुरंत दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इनेंशियोमर्स वाले पार्ट यहाँ पे हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते, इस वजह से मतलब रिजॉल्व नहीं कर पाते. इस वजह से इस कंपाउंड को POS-COS ऑल्दो नहीं है, इस कंपाउंड वाले पार्ट को ऑप्टिकली एक्टिव हम लोग नहीं बोल सकते हैं. ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का होता है. जब अमाइन इन्वर्जन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इस चीज का डिस्कशन करेंगे. ये पॉइंट ध्यान रखना थोड़ा. द प्रोसेस दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ इनेंशियोमर, और इस सेपरेशन ऑफ इनेंशियोमर्स को हम लोग रिजोल्यूशन आराम से बोल सकते हैं. और फिर एग्जैक्टली सेम टाइप का पॉइंट हम लोग डायस्टीरियोमर्स के लिए भी जाता है. तो डायस्टीरियोमर्स वाले पार्ट में बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, क्योंकि एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, एक कंपाउंड हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है. और दूसरा एक और पॉइंट बोला था, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर हो सकता है. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है, उसी चीज को डायस्टीरियोमर में रिलेट करना है. डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, therefore can be separated using fractional distillation or crystallization. ये हम लोग पॉइंट आगे भी यूज करने वाले हैं. जैसे मतलब एक जस्ट आगे टॉपिक आएगा मोनोक्लोरीनेशन, जो हम लोग टेंथ क्लास में पढ़ते हैं, हेलोजनेशन वाला पार्ट, एडिशन ऑफ हेलोजन वाला पार्ट. तो उस टाइप का चीज आता है. जैसे मान लो एक कंपाउंड दे रखा, इसका रिएक्शन हम लोग क्लोरीन के साथ कराए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मोनोक्लोरीनेशन हो सकता है. मोनोक्लोरीनेशन होने का मतलब कि क्लोरीन का एडिशन हो सकता है. तो उसमें मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट दोनों बन सकता है. ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल होता है. और इन दो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद ये पूछा जाता है कि कितने फ्रैक्शंस मिलेंगे आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो उस केस में ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला प्रॉपर्टी है डायस्टीरियोमर का और इनेंशियोमर का, इन सब को हम लोग यूज करके क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं. इनफैक्ट किसी भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में इस चीज को आराम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि एक रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स बने उसमें हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब कराए तो इतने फ्रैक्शंस ऑब्टेंड हुए आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो कैसे मालूम करेंगे कितने फ्रैक्शंस ऑब्टेंड हुए? तो ये प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है. इनेंशियोमर्स वाले पार्ट को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, बट डायस्टीरियोमर वाले पार्ट अलग अलग फ्रैक्शंस बनाएंगे. अलग फ्रैक्शन बनाने का मतलब दो अलग अलग जगह पे बॉईल करके अलग हट जाएंगे. तो अगर मान लो जैसा ऐसा है कि दो ए वाला पार्ट है, सॉरी ए और बी वाला पार्ट है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 100°C है मान लेते हैं. तो जब दोनों को लिक्विफाई किए और लिक्विफाई करने के बाद हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लेके जाएंगे, तो जैसे ही हम लोग का 100°C आएगा तो दोनों इवेपोरेट हो जाएगा एक ही साथ. अब दोनों एक ही साथ इवेपोरेट हो गया तो पता थोड़ा ना चल रहा है गैसेस फॉर्म में कि ए है अभी है, मतलब एक फ्रैक्शन है. बट अगर एक का बॉइलिंग पॉइंट 150 है और एक का 100 है, तो 100 पे ए वाला पार्ट हट जाएगा
और फिर जब 150 पे जाएंगे तब बी वाला पार्ट हटेगा। तो जैसे ही ए वाला पार्ट हट गया तो एक फ्रैक्शन मिल गया, फिर जब बी वाला पार्ट हटा तो वहां से दूसरा फ्रैक्शन मिल गया। तो जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है तब हम लोग को जितने डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स वाले कंपाउंड है उतने फ्रैक्शंस मिल सकते हैं। इस एक पार्ट को हम लोग क्वेश्चन में बहुत ही इफिशियंटली आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। और एक चीज तो मालूम ही है कि डायस्टेरोमर वाला जो पार्ट है उसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड भी हो सकता है। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट के ऊपर भी कुछ कमेंट करने का सेंस नहीं होता, बस यही पॉइंट हम लोग के लिए सफिशिएंट होता है कि डायस्टेरोमर वाले पार्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी आराम से डिफरेंट होता है। तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन करके इस इशू को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है जो इनेंस्ट्रूमर्स और डायस्टेरोमर के बीच में दो तीन चार पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना होता है। बाकी यहाँ पे हम एक पॉइंट थोड़ा मॉडिफाई कर दे रहे हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट डिफरेंट होता है तो एक डी होता है, ऐसा लिख देते हैं, इफ वन इज डी देन अदर विल बी एल एंड देयर एंगल ऑफ रोटेशन विल बी सेम। एंगल ऑफ रोटेशन वाला पार्ट सेम होना चाहिए, अगर एक 50 डिग्री क्लॉकवाइज तो दूसरा 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा, ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखना, इन सब पॉइंट्स के बाद अच्छा ठीक है एक छोटा सा टॉपिक हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसको हम लोग मीजो कंपाउंड बोलते हैं। टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, एक काम करते हैं इसको हम नए टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 8 इनेंशियोमर और डायस्टेरोमर के सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके। यहाँ पे एक टर्म है मीजो कंपाउंड, ये हम लोग को डिस्कस करना होता है तब जा करके हम लोग आराम से इनेंशियोमर्स ये नंबर ऑफ स्टीरोइसमर्स वाले पार्ट का डिस्कशन कर पाएंगे। इस केस में जैसे मीजो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, हम बस इस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड में ऐसा बोला जाता है कंपाउंड विद काइरल सेंटर बट ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब कंपाउंड वाला पार्ट जिसमें काइरल सेंटर होना मस्ट कंडीशन है। जैसे हम लोग सबसे पहले लेक्चर पे चलते, पहला तो नहीं बट दूसरे तीसरे लेक्चर पे चलते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब हो सकता है। तो ऐसा बोला था कि अगर एक काइरल सेंटर होगा तो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरा एक पॉइंट और डिस्कशन किए थे कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि काइरल सेंटर अगर नहीं हुआ तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है। काइरल सेंटर अगर नहीं है तो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। ये तरह के पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं जिसमें कोई काइरल सेंटर नहीं है बट कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का है। बट हम लोग को यहाँ पे ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें काइरल सेंटर वाला पार्ट हो, काइरल सेंटर होना मस्ट कंडीशन है बट ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, मतलब POS वाला पार्ट हो या फिर COS वाला पार्ट हो या दोनों हो, उससे कोई मतलब नहीं है। POS और COS दोनों में से कुछ भी रहे तो एक काइरल सेंटर का पॉसिबिलिटी तो वैसे ही खत्म हो गया। अगर एक काइरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो नहीं सकता, मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। और इस तरह के केसेस जहाँ पे हम लोग के काइरल सेंटर्स नहीं है, इस तरह केसेस को भी हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव होना मीजो नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव विद काइरल सेंटर होना मीजो कंपाउंड है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो जैसे एक छोटा सा सवाल होता है, क्वेश्चन नोट करके देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ देम आर मीजो। विच ऑफ देम आर मीजो, क्वेश्चन नोट करते जाओ पहले एक लाइन से और ट्राई करते जाना।
एट नंबर के स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान रखना, इस चीज को हम लोग टार्टारिक एसिड बोलते हैं, और इस चीज को हम लोग ज्यादा प्रिसाइजली मीजो टार्टारिक एसिड बोल सकते हैं। टार्टारिक एसिड का मतलब दो कार्बन, दोनों के ऊपर दो OH, मतलब दोनों के ऊपर एक एक OH और एक एक COH वाला ग्रुप होगा, इस चीज को टार्टारिक एसिड बोला जाता है। जो जो स्ट्रक्चर हम लोग को बोलेंगे याद रखने, वो तुमको याद रखना होगा, जो हमको याद है मतलब बाय डिफॉल्ट जरूरी कंपाउंड है। एक आंसर तो सर आप ही बता दिए, एट नंबर का। अच्छा ठीक है, सर ऊपर कीजिए ना एक मिनट, सब
तो सुपरपोजिबल क्या होता है? सुपरपोजिबल या सुपरइम्पोजिबल? तो याद नहीं है। सुपरइम्पोजिबल होता है, सुपरइम्पोजिबल मतलब दो चीजें एक दूसरे को फिट बैठ जा रही है एकदम एग्जैक्टली, एकदम एग्जैक्टली। जैसे मान लो सर्कल है और एक और सर्कल है, तो दोनों एक दूसरे को फिट अगर बैठ गया तो उसको सुपर इम्पोजिबल बोलेंगे। दो कंपाउंड्स में हर एक एटम्स एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ सकते हो, इस तरह की चीज को लो सुपर इम्पोजिबल। तो बेसिकली सेम कंपाउंड, अगर सेम कंपाउंड है तो आराम से दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाएगा, तो उसको सुपर इम्पोजिबल बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये दे रखा, जैसे ये सेम तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंट रहेगा ये चीज। जैसे मान लो कि दो स्टिकी नोट्स है, ठीक है, तो इन दोनों स्टिकी नोट्स में एक दूसरे के ऊपर जब इसको रखेंगे तो एग्जैक्टली सारा का सारा पॉइंट, सारा का सारा कॉर्नर एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, तो इस तरह की चीज को हम लोग सुपर इम्पोजिबल आराम से बोल सकते हैं। फिट होने का मतलब ऐसा नहीं है, जैसे हाथ है अपना ऐसा फिट हो गया, तो इसमें हर एक पार्ट एक दूसरे के ऊपर फिट है, लेकिन हाथ इस ओरिएंटेशन में नहीं आया। जैसे एक ओरिएंटेशन अगर ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग, दूसरे को ओरिएंटेशन अगर ऐसा लेके चले, तो दोनों इस ओरिएंटेशन में फिट होना चाहिए दूसरे के ऊपर। मतलब हम लोग का जो हाथ वाला पार्ट है उसका ओरिएंटेशन और दूसरे हाथ का ओरिएंटेशन एक दूसरे के ऊपर सेट होना चाहिए। उसमें हम लोग डिस्कशन किए थे नैनोमीटर में, देख लेना हाथ में, जैसे सब कुछ बताया था कि हाथ के ऊपर दूसरा हाथ अगर फिट करना चाहेंगे हम लोग, तो उस केस में हर एक पार्ट एक दूसरे के ऊपर फिट होना चाहिए, हर एक पार्ट एक दूसरे के ऊपर फिट होना चाहिए, अदरवाइज फिर सुपर इम्पोजिशन नहीं आएगा। एक एक पॉइंट एक दूसरे के ऊपर, जैसे जुड़वा समझ लो, बेसिकली जुड़वा जो होता है इन जनरल मान के चले कि अगर 100% कॉपी पेस्ट है, तो उसमें होगा ना कि एक आदमी और दूसरा आदमी एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर सबमर्ज हो जाएगा, मर्ज कर जाएगा, तो उस चीज को सुपर इम्पोजिशन बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन हो गया होगा तो बता देना, जैसा क्वेश्चन हो जाएगा हाथ रेज कर लेना ताकि डिस्कशन शुरू कर पाए। बहुत कम मीजो कंपाउंड्स दिए आप। हमको क्या मतलब, हम तो दिए हैं। तेरा तो कंपाउंड दिया, तेरा कंपाउंड में क्या मीजो करेंगे? हाँ एक चीज कर सकते हैं, जो अभी तक जितने भी कंपाउंड मैंने डिस्कशन किया नॉर्टिकली, एक्टिव कंपाउंड इनएक्टिव कंपाउंड, हम ऐसे ही किया करते हैं नॉर्मली नॉर्मल बैचेस में, कि जहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी कराया, ऑप्टिकली एक्टिव में सीयूएस देखो पीयूएस देखो, फिर उसके जस्ट आगे एक और पार्ट मीजो कंपाउंड कौन कौन सा होगा, उसमें 30-40 कंपाउंड होते हैं, तो 30-40 कंपाउंड में मीजो निकल जाता है। वो हल्का हल्का मीजो कंपाउंड करके क्या करेगा सर? जहाँ पे मीजो कंपाउंड का डेफिनेशन लिखे वहाँ पे एक बार जाइए ना, जहाँ पे मीजो कंपाउंड का डेफिनेशन लिखे वहां पे एक बार जाए। हाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव
कंपाउंड में जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है या सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है तो कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला करते हैं। वो सारे लेक्चर्स देखो ना जो हम लोग डाल रखे हैं, उन लेक्चर्स को देखो तभी ये चीज समझ में आएगा आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें जो भी डिफिकल्टी होगा, जिस भी पॉइंट में डिफिकल्टी होगा उसको पूछ लेना, मतलब लेक्चर में कुछ नोट डाउन मत करना, बस लेक्चर सुनते जाना, अपने आप धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लग प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री के अलावा भी बहुत सारे ट्रिक्स मैंने बोले हैं बताए हैं, सब कुछ यूज किया जा सकता है। सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करो तो हम डीपीपी एक बार देख लेते हैं। डीपीपी में शायद से आगे के डीपीपी अभी सॉल्व नहीं कर सकते, 14 तक तो सर उसके बाद कंफर्मेशन आइसोमर शुरू हो गया है। हाँ ठीक है, तो अभी के लिए सॉल्व मत करना। हाँ इसमें कंफर्मेशन आइसोमरिज्म शुरू हो गया है। डीपीपी 14 तक भी सॉल्व मत करना, डीपीपी 13 तक शायद सॉल्व कर सकते हैं जहां तक हमको ध्यान है। कंफर्मेशन आइसोमरिज्म शुरू हो गया है। एक क्वेश्चन कंफर्मेशन आइसोमरिज्म का डाल दिया अगला सब, केवल एक क्वेश्चन, और बाकी सारा क्वेश्चन इसी का है। उसमें पूछा है मीजो कंपाउंड कौन सा है नहीं है, यही सब चीज पूछ रखा है। डीपीपी नंबर 16 से कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म प्रॉपर शुरू हुआ है, उसमें भी थोड़ा बहुत तो यही दे रखा है टू ईस्टर। ठीक है, इसमें हम होमवर्क दे देंगे तुम लोगों को, दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन ही तुम लोगों को इसमें से सॉल्व करना होगा, बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोड़ भी सकते हैं, तुम्हारे बुकलेट में ही बहुत होमवर्क मिल जाएगा। तो 3-4 दिन तुम लोगों को भी रेस्ट करना है तो रेस्ट कर लो दशहरा में, और अगर नहीं करना है तो फिर बहुत सारी दुनिया बुक्स है, बनाओ आराम से। परसों 11th वाले बैच में बहुत हम सुनाए सबको। एक स्टूडेंट है, अयपा का स्टूडेंट है, एक सवाल पूछा कि सर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है उसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक सवाल पूछा सर इस स्टेटमेंट का मतलब भी नहीं समझ में आया। हम पूछे कौन कौन सा बुक पढ़ता है तुम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बुक्स का नाम बताओ। तो फिजिक्स में बोलता है एसएल अरोड़ा पढ़ता है, बहुत उसको हम गाली दिए उसे। उसको क्या सब लोग ही समझाए, लोगों को आदत, मतलब लोगों का आदत खराब हो गया। लोगों को चाहिए रेडीमेड सामान आज के टाइम पे, डाउटनेट है इतना बढ़िया चीज है। अच्छा तुम में से कितने लोग डाउटनेट यूज करता है, यहाँ पे करता ही होगा, सब लोग ही करता होगा, कुछ नहीं बन रहा सवाल थोड़ा डाउटनेट में डाले और आंसर मिल गया एकदम। बिल्कुल ये हैबिट एकदम छोड़ के रखना, डाउटनेट एकदम यूज नहीं करना है तुम लोगों को, इस हैबिट से दूर रखना है अपने आपको। रेडीमेड सामान से जेई क्लियर नहीं होने वाला है, फिर नीट क्लियर नहीं होने वाला होता है, उसके लिए सर्च करो। मेरा परसों ही एक दोस्त से बात हो रहा था, वो उसमें है एडफोरा करके कंपनी है जो माईपैट जो प्रोडक्ट बनाती है उसी में है, तो बोल रहा था कि वो लोग भी एग्जैक्टली ये सब क्वेश्चन और सॉल्यूशन वाले चीज पर वर्कआउट कर रहे हैं, वो लोग फ्री में सारे स्टूडेंट्स के लिए रखेंगे। लेकिन वो बोला कि सर मतलब हमको बोला तो गया ये चीज करने के लिए, बट मेरा उतना अंदर से मन नहीं करता ये चीज, क्योंकि हम आईआईटी में जा चुके, हमको मालूम है कि ये चीज कितना मतलब लोगों के कैलिवर को खराब कर रहा है। सॉल्यूशन रेडीमेड मिल जा रहा है और क्या चाहिए, कोई फर्क पड़ेगा क्यों, मतलब पहले खुद से ट्राई करो। बोले कि यार हम उसको यही बोल रहे कि यार हम लोग अपने टाइम पे कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे थे, याद है तुमको, तो वो भी कोटा से पढ़ा है एक साल। तो बोला कि सर मतलब क्वेश्चन नहीं बन रहा तो इधर उधर सर्च कर करके बुक्स वगैरह में रिलेटेड एग्जाम्पल देख देख के कुछ भी करके उसका सॉल्यूशन खुद से निकालना होता था। वो एफर्ट, वो स्ट्रगल करते हैं तभी सीख पाते टॉपिक।
तो ये सब हैबिट्स पे एकदम बहुत जरूरी है। डाउट वगैरह तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए बहुत लास्टली है कि चलो ठीक है डाउट पूछ लिया, बट पहले एक ऑनेस्ट एफर्ट डालो एटलीस्ट एक क्वेश्चन में, जब तक एक घंटे का टाइम नहीं डाले तब तक तो उसको ट्राई करो। ऐसा कोई भी सवाल भारी नहीं होता जो नहीं सोच सकते हैं, और रिलेट करके एग्जांपल्स को सीख नहीं पाए तुम लोग को, एटलीस्ट स्टैंडर्ड बुक से रीडिंग करता है बहुत अच्छा चीज है, स्टैंडर्ड बुक से रीडिंग करना मस्ट है, उसके बिना काम नहीं चलता। लोगों को बहुत मतलब लोग एकदम हल्का हल्का चीज चाहिए आज के टाइम पे, कि हमको हल्का हल्का चीज मिले और नहीं हम एग्जाम तो एकदम भारी वाला क्लियर कर ले। मजाक चल रहा है क्या आईआईटी का एग्जाम, मजाक चलता है क्या? पेपर देखते ही लोगों का हालत बिगड़ जाता है, ये क्या सवाल पूछा, हम क्या पढ़ के आए सवाल के पूछा, बोलता है क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। उसमें ऐसा कुछ लिखा था एज्यूमिंग द मॉलिक्यूल टू बी थर्ड रो एलिमेंट, ऐसा एज्यूमिंग द थर्ड रो पीरियड एलिमेंट्स या थर्ड रो मॉलिक्यूल्स विल बिहेव सिमिलर टू सेकंड रो एलिमेंट्स, जो हम लोग क्लास में डिस्कशन भी किए थे कि O2 वाला पार्ट और H2 वाला पार्ट सिमिलर टाइप का बिहेवियर शो करेगा। ऑल्दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 20 से ज्यादा हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते बट रिलेट कर सकते हैं, उसको ये स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आ रहा था। उन लोगों को फिर उस दिन समझाया कि ये बुक पढ़ो ये बुक पढ़ो ये बुक पढ़ो, कोई बुक ही नहीं पढ़ना हम लोगों को, सबको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके अलावा फिर बस क्लास में पढ़ना है। चलो भाई आंसर वाले पार्ट पे आते हैं। विच ऑफ देम आर मीज़ो, पहला वाला मीज़ो नहीं होगा, दूसरा वाला मीज़ो नहीं होगा, तीसरा वाला मीज़ो होगा, चौथा वाला मीज़ो नहीं होगा, पांचवा वाला मीज़ो नहीं होगा, छठा वाला मीज़ो नहीं होगा, सातवां वाला मीज़ो नहीं होगा, आठवां वाला तो बता ही दिए थे मीज़ो होगा, नाइन्थ वाले केस में मीज़ो होगा, टेंथ वाले केस में मीज़ो होगा, 11th वाले केस में मीज़ो नहीं होगा, 12th वाले केस में मीज़ो नहीं होगा, 13th वाले केस में मीज़ो होगा। कोई डाउट अगर किसी को तो पूछ सकते हैं 1 से लेकर 13 तक। सर 1 2 1 2 1 वाले में कितने कायरल सेंटर है, ये अद्वय जवाब बताएगा। अद्वय लेक्चर 1 देखा तुम कायरल सेंटर? यस सर। कितने कायरल सेंटर है पहले वाले केस में? नहीं देखा तो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, परेशानी नहीं है, देखो लेक्चर तुम्हारा छोटा हुआ। आदित्य आर्यन बताइए पहले वाले केस में कितने कायरल सेंटर्स है? बोल ही नहीं रहा जी, आदित्य खोल के फुटबॉल खेलने चला गया होगा। हाँ वे इसे घर पहुंच जाना पड़ेगा फिर क्लास लेते लेते। प्रियांश दो कायरल सेंटर, तो अगर कायरल सेंटर है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड तो मीज़ो तो होना चाहिए। ज्योत्सना कितना कायरल सेंटर है? एक भी नहीं। एक भी नहीं, कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि इसमें क्लोरीन हाइड्रोजन तो है बट लेफ्ट का ग्रुप और राइट का ग्रुप सेम है। कायरल सेंटर होना मस्ट कंडीशन है तब ऑप्टिकल इनएक्टिविटी की बात करेंगे। तो इस कंपाउंड में ऊपर में हम लोग का लेफ्ट का ग्रुप और राइट का ग्रुप एग्जैक्टली सेम है, नीचे वाले साइड में भी लेफ्ट का ग्रुप और राइट का ग्रुप एग्जैक्टली सेम होगा, तो इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो कंपाउंड मीज़ो कभी भी नहीं हो सकता। ऑप्टिकली इनएक्टिव भले ही है कंपाउंड वाला पार्ट लेकिन कायरल सेंटर नहीं है तो मीज़ो नहीं कहलाएगा। दूसरे वाले केस में भी कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड का ग्रुप एग्जैक्टली सेम है तो कायरल सेंटर ही नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कायरल सेंटर अगर नहीं है तो मीज़ो नहीं बोल सकते। थर्ड वाले केस में कोई डाउट है किसी को? फोर्थ वाले केस में कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, और कोई डाउट है तो बताओ। 10 नंबर वाले पार्ट में आते हैं पहले। 10 नंबर में पहले तो ये बताओ कि कायरल सेंटर है कि नहीं है, और अगर है तो कितना है? दो कायरल सेंटर, ये दो जगह कायरल सेंटर है। अब पॉइंट ये आता है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो कायरल सेंटर तो निकल के आ गया बट कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो अभी देख के मालूम पड़ रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, बट अगर हम लोग इसमें दो स्विच कर ले CH3 OH और यहाँ पे स्विच करेंगे तो CH3 और H,
तो इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री निकल के आएगा, सीएस के अपोजिट डायरेक्शन में सॉलिड के अपोजिट में ओएच वाला पार्ट डैश पे, डैश के अपोजिट में एच वाला पार्ट सॉलिड पे। इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री निकल के आ सकता है। तो कंपाउंड वाले पार्ट में देख के अभी नहीं लग रहा कि कंपाउंड वाले पार्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, लेकिन जब स्विचिंग कर रहे हैं तो स्विचिंग करने के बाद कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है। और कंपाउंड के किसी भी कंफर्मर में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरल सेंटर है, मतलब मीजो कंपाउंड होगा। केवल गिवन स्ट्रक्चर को मत सोचो, अगर उसमें रोटेशन या स्विचिंग का पॉसिबिलिटी है तो सारी चीजें सोचते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक में और कोई डाउट? इन सब क्वेश्चंस को मतलब ये अच्छे उसमें कंसीडर कर सकते हैं, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, पूछा जा सकता है। 1 से लेके 13 तक में और कोई डाउट किसी को तो बताओ। अगर डाउट नहीं है तो अच्छा 243 हो गया क्या? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए हम क्लास एंड करते हैं, क्योंकि हम लोग का स्टीरियोइड समरिज्म 10 मिनट 20 मिनट में तो नहीं हो पाएगा। हम लोग का क्या क्या टॉपिक बचा हम बस केवल लिख देते हैं ताकि दशहरा के बाद जब आए तो हमको याद रहे। एक हम लोगों का स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेशन सबसे पहले टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर। दूसरा पार्ट हम लोग का एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डीएल नोमेनक्लेचर, और चौथा पार्ट अमाइन इन्वर्जन। अमाइन इन्वर्जन को हम लोग अम्ब्रेला फ्लिपिंग भी बोल सकते हैं। पांचवा पार्ट हम लोगों का ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन में थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव पार्ट है, बट है मतलब अमाइन इन्वर्जन मुश्किल से मतलब 20 मिनट का टॉपिक है। डीएल नोमेनक्लेचर वाला पार्ट 20 मिनट का टॉपिक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट मेरे हिसाब से शायद से मतलब थोड़ा इमेजिनेटिव टॉपिक है, बट ये भी 20 मिनट का टॉपिक ले सकते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन वाला पार्ट 30 मिनट का टॉपिक है, और कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर एक लेक्चर लगना चाहिए मेरे हिसाब से, डेढ़ घंटे का लेक्चर एक लगेगा। तो दो क्लास में हम लोग ये टॉपिक पूरा का पूरा आराम से कंप्लीट हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर देखेंगे, फिर बाकी सारे के सारे टॉपिक्स आराम से डिस्कस करेंगे। तो आज शायद पता नहीं कितना होमवर्क दे पाएंगे, एक बार देख लेते हैं होमवर्क में क्या क्या होमवर्क पॉसिबल है। ये तो हो चुका हम लोगों का, ये सेक्शन भी हो चुका हम लोगों का। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। F5 ये क्वेश्चन बचा हुआ है, F5, F7 F8 दे तो सकते हैं, लेकिन ठीक है जो पहले ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन पढ़ाने तो थोड़ा कंफ्यूज करने तो तब उसके बाद देने में ज्यादा मजा आएगा। ये सॉल्व कर सकते हैं, I3 सॉल्व कर सकते हैं, जितना आज इन्फॉर्मेशन बताया उससे काम हो जाएगा। I3 P
प्लस माइनस का क्या मतलब है? प्लस माइनस का मतलब बताया था सबसे पहले लेक्चर में, डी वाले पार्ट को प्लस भी बोला जाता है, एल वाले पार्ट को माइनस बोला जाता है। प्लस मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। पर मीजो में तो ऑप्टिकल रोटेशन ही नहीं होगा। सब्जेक्टिव वाले पार्ट में नहीं, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन नहीं, कॉम्प्रिहेंशन में दे चुके हैं। हाँ, ये तो एक्सरसाइज टू में बहुत सारा क्वेश्चन दे चुके हैं, पर दूसरे वाले बुकलेट से उन्हें लेना पड़ेगा। हाँ, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, एक और जो बुकलेट दिया था उसकी बात कर लेते हैं, और वर्कशीट में कुछ बाकी है क्या? वर्कशीट में नहीं, हाइड्रोजनेशन वाला टॉपिक आ गया है। तो find the total number of structural isomer which will give the hydrogenation का मतलब सबको मालूम है, मेरे हिसाब से सबको मालूम है, पढ़ा चुके हैं। अगर पढ़ा चुके हैं तो फिर एक वर्कशीट नंबर 16 सॉल्व कर लेना है। वर्कशीट नंबर 16 में हाइड्रोजनेशन का, हाइड्रोजनेशन का मतलब बस डबल बॉन्ड हटेगा। अच्छा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में भी बताए थे, डबल बॉन्ड हटेगा अल्केन बनेगा, तो बन जाएगा। वर्कशीट नंबर 16 ट्राई करो। वर्कशीट नंबर 16 के अलावा जो दूसरा एक और बुकलेट मिल रखा है, उस बुकलेट में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 18 20 ऑल द सिंपल सवाल है, छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं, सब क्वेश्चन देख ही रखे हैं। कुछ अच्छा क्वेश्चन तो हमको मिलेगा नहीं, दूसरे वाले बुकलेट में सब कुछ आ रखा है। तेजी से अगर क्वेश्चन सॉल्व, एक काम करो, ठीक है, इस बुकलेट को सॉल्व मत करो, इस बुकलेट को एक ही बार सॉल्व कर लेना। जब टॉटोमेरिज्म कंप्लीट होगा तो एक ही बार पूरा इसमें बुकलेट के लिए सॉल्व कर लेना। तो इसमें तो कुछ हम होमवर्क नहीं दे सकते तुमको, तो कहां होमवर्क दिया जाए? क्या होमवर्क दिया जाए? बताओ भी, कोई सजेशन दो क्या होमवर्क दिया जाए। सब लोग चुप है कि होमवर्क के लिए सजेशन कौन देगा? वेल, मुझे मार वाला कहानी हो जाएगा। कुछ रीडिंग का दे दीजिए होमवर्क। रीडिंग का होमवर्क दे दे, रीडिंग का होमवर्क दे तो सकते हैं। हाँ ठीक है, रीडिंग का होमवर्क दे सकते हैं। कौन से बुक से दिया जाए? मेरे पास दोनों बुक अवेलेबल है, मेरे पास पॉलिब्रस भी है, सोलोमन भी है। एक उसमें रीडिंग का होमवर्क दिया जा सकता है, रेजोनेंस वाले टॉपिक के बारे में पढ़ना। रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ना बहुत ही मजेदार चीज होगा, पढ़ सकते हैं। एक मिनट, तुम लोगों को अगर ये रोडो का पीडीएफ, अच्छा एक
कल हम सर्च कर रहे थे, मेरे पास बहुत सारा वो पड़ा हुआ था, एक आईओमो का कोई कंपेडियम होता है, हमको नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, ये हम अपने टाइप ये कोई बुक है, ये चाहिए क्या तुम में से किसी को? व्लादिमीर जंकोविच, इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम सजेस्टेड फॉर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ऑफ स्क्रॉल करिए सर, देखते हैं, और चाहिए हुआ तो बताना, ऐसा कुछ कुछ टॉपिक्स वगैरह सब दे रखा है, पॉलिनोमियल रिकरेंस फंक्शन इनइक्वालिटीज ट्रायंगुलर ज्योमेट्री वेक्टर ज्योमेट्री इनवर्जन एक्सपोनेंशियल कंग्रुएंस और बाकी केवल प्रॉब्लम्स दे रखा है, मतलब साल दर साल का प्रॉब्लम दे रखा है जो उनको कल देख करके पता चला, तो वो मेरे पास बहुत सारे बुक्स का वो सब पड़ा हुआ था पीडीएफ, उसी में पलट रहे थे तो दिख रहा था, तो अगर किसी को चाहिए तो बताना, मतलब चाहिए होगा तो हम ग्रुप में डाल देंगे या फिर अंकुर सर को हम भेज देंगे, अंकुर सर अपना बता देंगे तुम लोग क्या करना नहीं करना, अगर चाहिए होगा तो बता देना, आईएमओ कंपेडियम करके एक था, मतलब हमको तो ठीक ही ठीक बुक दिख रहा था, सर भेज दीजिए ग्रुप में, ठीक है हम डाल देंगे ग्रुप में, ज्यादा बेटर है, फिर और कौन सा बुक था, मॉरिसन बॉयड ऑर्गेनिक, मॉरिसन बॉयड तो खैर हम लोगों नहीं पढ़ना, मॉरिसन बॉयड तो काम सर होमवर्क एम एस चौहान से दे दीजिए, एम एस चौहान से होमवर्क, आइडिया सही है, ज्यादा बेटर है, ठीक है, एम एस चौहान से होमवर्क भी दे देंगे और दूसरा सोलोमन फाइल से पढ़ने भी दे रहे हैं, कुछ रेजिनेंस वाले टॉपिक पढ़ने बोलेंगे, तुम्हारा कलरफुल ही बुक है तो ठीक ही बुक दिख रखा है हमको, से तो दूसरा वाला है सर, आप जो भेजे थे वो अलग था, हम पॉलम दूसरे से शायद से सोलोमन भेजे थे सर, सोलोमन भेजे थे, हम जो सोलोमन भेजे थे तो ग्रुप में डाले होंगे ना, यस सर, बहुत पहले डाले होंगे, पता भी नहीं चला कहाँ डाले, जिसमें पहला लेक्चर लिए थे उससे, सर्च कर लीजिए, पॉला ब्रूस भेजे थे सर, पॉला ब्रूस भेजे थे, यहाँ तक हमको ध्यान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोर्थ एडिशन बाय पॉला ब्रूस, ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पढ़ सकते, इसमें जो चैप्टर नंबर 4 दे रखा है हम चाहेंगे तुम लोग एक बार रीड करो, ये वैसे हम लोग का जीओसी का अगला पार्ट होगा बट इसको रीड करके देखेंगे तो बहुत मजा आएगा तुम लोगों को, इसलिए हम सजेशन देंगे, रेजोनेंस का टॉपिक है, तुम लोगों को समझ में आया कि रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है क्या नहीं होता है, करके देखना रीड ये चीज, हाइड्रोकार्बन स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रेजोनेंस, तो पार्ट 2 में जैसे रेजोनेंस वाला जो टॉपिक है वो शायद आगे दे रखोगे, चैप्टर नंबर 7 में दे रखा है, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन वाला पार्ट, हम लोग केवल इसी से मतलब है, चैप्टर नंबर 7 में चले जाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देखना है तो देख सकते हैं, इसमें जैसे इमेजिनेशन वाला पार्ट थोड़ा अच्छा दे रखा है, इससे क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म पहले ही दे रखा था इसलिए यहां पे ऐसा क्वेश्चन डाल रखा है, क्वेश्चंस इसके भी हम सॉल्व करा देंगे तुम लोगों को, क्योंकि इन सब बुक्स में काफी अच्छे अच्छे मतलब एक्चुअल में अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस ऐसे बड़े बड़े टाइप के डाल देते हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या है, ऐसा कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बहुत अजीब टाइप का बड़ा सा मॉलिक्यूल दे देगा, अब अगर बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल दे देगा तो उसके इसमें फिर समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पूछे जा रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ने को तो इसमें माइन इन्वर्जन वगैरह पढ़ सकते हैं बट हम सजेशन नहीं देंगे उसको पढ़ने का, क्योंकि हम पढ़ाने ही वाले हैं तो उस चीज को मत पढ़ना, ज्यादा बेटर होगा, ये दो दो पेज रखे, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, मतलब मजा तो आप ही के सिस्टम में ऐसा आ रहा है,
अच्छा कुछ होगा उसमें, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फैमिली ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म सॉल्वेंट नोमेनक्लेचर मॉलिक्यूल एंड मोर देन वन कायरलिटी सेंटर मेसो कंपाउंड इज आज हमने डिस्कस कर लिए आयनिक रिएक्शन प्रॉब्लम सल्फीन एल्काइन रिजनस का है इसमें रेजिनेंस कहीं दिख नहीं रहा यार इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसमें रेजिनेंस वाले टॉपिक में कहीं दिखाई नहीं दे रहा रेजिनेंस थ्योरी दे रखा है पेज नंबर 15 में एक ही पेज में दे रखा है बस ऐसे वैसे चलो देखते हैं रेजोनेंस थ्योरी 1.8 सर कोई प्रियांश की फर्जी नाम से घुसा है मतलब अमी मतलब ये प्रियांश लिखे कनेक्ट नहीं हो रहा अभी जस्ट अब क्लास में है वो अभी हो गया सर आवाज भी रिकॉर्ड करके रखा है तू कहाँ गया था पहले तो ये बता फुटबॉल खेलने चला गया था नहीं इसमें उतना अच्छा नहीं लगा करेंगे क्लास में कौन जाएगा खेलने तुम कोई कुछ देर पहले आवाज दे रहे थे कहाँ है तो फिर बता ही नहीं रहा था कुछ अच्छा पानी पीने गया था हो सकता है तब बुलाया तो पानी पीने चला जाता है क्लास छोड़ करके तुम लोग का अलग ही अय्याशी चल रहा है उससे मत पढ़ना पॉला ब्रोच जो बुक दे रखी है उसी से एक बार रीडिंग करके देखना क्योंकि उसमें बहुत ही छोटे स्टेज उसमें दे रखा है क्योंकि खुद से पढ़ना तो शायद से तुम लोगों को दिक्कत है ये जो टॉपिक दे रखा है रेजोनेंस वाला पार्ट ये पूरा का पूरा डिलोकलाइजेशन एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 7 दे रखा है पेज नंबर 264 में इसको एक बार रीड करके देखना तब इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन एंड रेजोनेंस वाले पार्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है क्या बनता है ऑल्दो हम लोग इस चीज का डिस्कशन करेंगे लेकिन अगर इसको पहले से खुद से रीड कर लेगा तो तुमको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी ऑल्दो एक चीज होता है कि इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो पहले ही दे रखा है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक में लेकिन फिर भी उससे कोई दिक्कत नहीं है मतलब हम लोग इस चीज को रीड करेंगे और कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो पहले दे रखा है वो सब हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा क्योंकि ये सब जो स्ट्रक्चर है जैसे ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें मेरा फालतू का एक लेक्चर खराब होगा तो हम सजेशन देंगे कि इस चीज को खुद से करके देखो जैसे यहाँ नीचे प्रैक्टिस करने के लिए चीज दे रखा है क्वेश्चंस ये सब चीजें अगर कर लेंगे तो मतलब मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि लोग रेजोनेंस के टाइम पे उतना प्रैक्टिस नहीं करते ऑल्दो हम बोलते हैं कि रेजोनेंस अच्छे से प्रैक्टिस करो क्योंकि आगे जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो रेजोनेंस का एक्सटेंडेड वर्जन है रेजोनेंस विद इन द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और आगे रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो है एग्जैक्टली सेम चीज बट अगर रेजोनेंस वाला टॉपिक अच्छा होगा तो आगे के टॉपिक अच्छे रहेंगे एक बार रीड करके देखना इस चीज को मेरे हिसाब से सारा टॉपिक इसमें रीड कर सकते हैं एक नॉर्मल रीडिंग करने के पर्सपेक्टिव में इस चीज को रीड कर सकते हैं दशहरा का टाइम है तो हमारे पास आराम से रीड कर लो पॉला ब्रोच से रीड करना क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें दे रखी है तो इसी को एक बार रीड कर लेना ज्यादा बेटर होगा एक तो इसको रीड करना होगा पॉला ब्रोच में चैप्टर नंबर 7 और उसके अलावा फिर हम तुम लोगों को एमएस चौहान भेजे थे एमएस चौहान में होमवर्क तो हम दे देंगे बट एमएस चौहान में फिर टॉटोमेरिज्म का सवाल बहुत ज्यादा होगा
नहीं ठीक है, एम एस चौहान में होमवर्क नहीं दे रहे, तुम इसी को रीड करो आराम से। एम एस चौहान में होमवर्क हम एक ही बार देंगे तुम लोगों को, तब जब हम लोगों का टॉटोमरिज्म कंप्लीट हो जाएगा रेजिडेंस के बाद, तो एक ही बार पूरा का पूरा एम एस चौहान एक ही बार सॉल्व करना शुरू कर देना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुमको वैसे भी देखे देखे लगेंगे, बट फिर भी एक ही बार क्वेश्चन नंबर वन से लेके जैसे टारगेट लेके चलना चाहिए। अगर मान लो उसमें 200 क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन के लिए हम हर एक क्वेश्चन का 2-2 मिनट कंसिडर करके चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से बिल्कुल तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। और उसमें ये तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है कि उसमें एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन है, तो गलती करने के चांसेस है। तो उससे फास्टली अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हर एक क्रिटिकल पॉइंट का ध्यान रखते हैं, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा टॉपिक सॉल्व करने की कोशिश करना, वो अच्छा ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो एम एस चौहान में होमवर्क नहीं दे रहे तुम लोगों को, इतना ही काफी है, इसको रीड करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आराम से। अगर किसी को डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। हाँ जो कोई डाउट है क्या, तो तब से हाथ रेज कर रखी है। नेक्स्ट वीक का शेड्यूल ऐसे लगाइए क्योंकि मेरा एग्जाम है, तो हाँ पता चला उन लोगों को, तो लोगों का 1 बजे तक, कितने बजे से एग्जाम है? 12 से 3। 12 से 3 ये तो पता चला था हमको। हाँ ठीक है, विशाल सर से एक बार कोऑर्डिनेट कर लेंगे, उस चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम यार तुम लोग अपने स्कूल वालों को ये डालो ना यार लेटर की सब एग्जाम एक ही टाइम पे लीजिए, सारे स्कूल वाले सब अलग अलग क्यों लेते हैं, फालतू में क्लास डिस्टर्ब होता है। 12 से 3 अगर सब लोग एक साथ इसलिए नहीं लेते हैं ताकि कोई ये ना बोल सके कॉपी किया। ठीक है, विशाल सर कोऑर्डिनेट कर लेंगे शेड्यूल को, एक बार हम उनको बोल भी चुके हैं शायद से इसके बारे में, एक कोई स्टूडेंट अभिषेक जो है वो भी बोल चुका है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीक का शेड्यूल हम लोग कैसा रख सकते हैं। ठीक है, और कुछ किसी को? यस सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, आज के लिए खत्म करते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैप्पी दशहरा सर सब लोगों को भी। अद्वैत तुम अपना लेक्चर देख लेना, उसमें अगर तुमको डाउट होगा तो हमसे 2-3 दिन के बाद सारा का सारा डाउट एक बार क्लियर कर लेना, डाउट्स से लेकर के अलग से। ठीक है,